Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. थाना लिसाड़गे क्षेत्र में युवती के परिजनों ने उसको 3 साल से बंधक बनाकर घर में रखा है। युवती का आरोप है कि उसको बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा जाता था। परिजनों ने युवती की पढ़ाई भी छुड़वा दी और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे। परिजनों के जुल्म से तंग आकर युवती घर से भाग निकली। युवती अपनी मर्जी से शादी और पढ़ाई करना चाहती है। युवती को अपने परिजनों से जान का खतरा है, इसलिए आज SSP ऑफिस पहुंची और सुरक्षा की गुहार लगाई। SSP रोहित सिंह साजवान ने सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। देखिए पीड़िता से मिली जानकारी। मेरा नाम मिसेस नगमा है। मैं अपनी मर्जी, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और मेरी पढ़ाई छुड़ाई है। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ और मैं बालिग हूँ। मैंने निकाह कर लिया है अपनी मर्जी से, जिससे मैं 8 साल से प्यार करती थी। कितने टाइम से पढ़ाई छुड़वा रखी है आपकी? 3 साल हो गए। क्या कहते हैं घर वाले? घर वालों को जब पता चला था तभी मेरे घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी थी। दिल्ली कब से रह रही हैं आप? 10 दिन हो गए मुझे। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे उसको? कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। कौन सी क्लास तक पढ़ा? 10th क्लास पढ़ी। उस घर पर मैंने पढ़ने नहीं दिया जी। नहीं। क्या उम्र आप बालिक है? क्या उम्र है? जी बालिक हूँ मैं। कौन सा, क्या कहते हैं घर वाले? मतलब किस, आपको घर के अंदर रख रखा है क्या? जी मुझे घर के अंदर रख रखा था, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने मना कर रखा है मुझे कहीं जाने से। वो कहते हैं कि मैं हमारी मर्जी से शादी करूँगी। कितना टाइम आपकी शादी हो गया? 10 दिन हो गए, मैंने अभी निकाह करा है 10 दिन पहले। अब आपको किस, आप SSP ऑफिस क्या शिकायत लेकर आई हैं? यही कि मुझे अपने घर वालों से खतरा है अपनी जान का। वो उन्होंने FIR दर्ज कराई है मेरे नाम और जिनके साथ मैं आई हूँ उनके। कौन से थाने में? ये तो मुझे पता नहीं है, अभी मेरी उनसे घर वालों से बात नहीं हुई है अभी। 3 साल तक आपको घर में कैद रखा था घर वालों ने? जी मैं अपने घर में हूँ। ना पढ़ाई जाने दिया 3 साल तक? नहीं। कितने साल से नहीं जाने दिया आपको? 3 साल हो गए मुझे। जिससे आप शादी की है उससे कैसे मिली थी? कब मिले थे? जी वो हमारी गली में है। फिलहाल 10 दिन से उसी के साथ में, तो आप कैसे, मतलब कि आप जो घर वालों ने अपना पहरा लगा रखा था, किस तरह से आप दिल्ली तक पहुँची? जी बस मैं अपने घर से थोड़े दरवाजे से निकल के अपना चली गई थी अकेले। देखिए इस बारे में SSP रोहित सिंह साजवान ने आश्वासन देते हुए क्या कहा। सर एक युवती ने आपसे सुरक्षा मांगी है कि उसके परिवार वाले क्या? थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत एक महिला ने आकर प्रार्थना पत्र दिया कि उसके घर वाले उसको परेशान करते हैं और वो पढ़ना चाहती है, जबकि घर वाले उसकी शादी करवाने को लेकर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। इस वजह से वो घर से चली गई है और घर वालों ने कुछ समय तक उसको घर में जबरदस्ती अंदर बंधक बनाकर भी रखा। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा जांच का आदेश दिया गया और साथ ही साथ घर वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बताया गया, और जो युवती को अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो उसको सुरक्षा भी दी जाएगी। इसमें समय का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन उसके द्वारा बताया गया कि जब वो पढ़ना चाहती थी तो घर वाले उसको जबरदस्ती शादी करा रहे थे और फिर ऐसे उस घर वाले उसको घर के अंदर ही रखने लगे। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।